हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में एम्स अस्पताल प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हालांकि इस बार कोविड-19 महामारी के चलते विकास कार्य थोड़े बहुत प्रभावित हुए हैं, लेकिन कोरोना काल में भी एम्स के द्वारा टेलीमेडिसिन सुविधा जो शुरू की गई है वो काफी मददगार साबित हो रही है। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि बिलासपुर के कोठीपुर में बने एम्स का कार्य भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रगति पर है। उन्होंने एम्स में सुविधाएं शुरू करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि एम्स में ओपीडी का कार्य पूर्ण हो चुका है और इसे अब जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा जो टेलीमेडिसिन सेवा का शुभारंभ किया गया है वो भी दूर दराज के ग्रामीण लोगों के इलाज में कारगर सिद्ध हो रहा है और एम्स अस्पताल में वैक्सीनेशन का कार्य भी शुरू हो चुका है। प्रदेश भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि बिलासपुर में एम्स अस्पताल हिमाचल के पहाड़ी लोगों के इलाज में अहम भूमिका अदा करेगा। कोठीपुरा में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया एम्स संस्थान आज प्रगति पर है। वहां पर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है। हालांकि कोरोना के कारण पिछले साल कुछ महीने काम रुका था, परंतु उसके बाद उसमें लगातार प्रगति आई है। पर इस बार कोरोना के बावजूद भी वो निर्माण कार्य चल रहा है और लगभग 75-80% तक काम पूरा हो चुका है और जल्दी ही उसका निर्माण कार्य पूरा होगा, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। और अभी जो कोरोना काल में वहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से जो पॉजिटिव कोरोना मरीज घरों में थे, होम आइसोलेशन में थे, उनकी कंसल्टेशन के लिए एक अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी भी उसमें जुड़े थे, ऑनलाइन वर्चुअली उसका उद्घाटन हुआ था। और उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के लगभग 900 जो मरीजों ने है कंसल्टेशन ली, अपनी सहायता वहाँ से प्राप्त की, क्योंकि वहाँ पर जो MBBS का फर्स्ट बैच बैठा उस बैच को पढ़ाने के लिए और अदरवाइज भी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। लगभग 70 डॉक्टर उसमें नियुक्त कर लिए गए हैं जिन्होंने इस तरह टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सलाह दी, उनको जो है मेडिसिन के बारे में पूरा उनको गाइड किया। साथ ही कुछ डॉक्टर्स ने तो RH हॉस्पिटल बिलासपुर में OPD में भी अपना योगदान दिया है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य इस कोरोना काल में रहा है। और इसके साथ साथ जो वैक्सीन लगाने का अभियान है उसमें भी एम्स के अंतर्गत वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जिसके कारण वहाँ की आसपास की पंचायत के लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए नज़दीक में ही ये सुविधा उपलब्ध हुई है। इस तरह से एम्स ने अपना जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया है। जल्दी ही OPD भी वहाँ पर शुरू होगी, कोशिश है कि 1-2 महीनों के बाद OPD की सुविधा वहाँ पर जनता को मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं धन्यवाद करता हूँ केंद्र